Good morning students, in this part of the video we are going to discuss area. So the definition of the area is the space covered by a shape in square units is its area. Yani ek shape kitni jagah leta hai use uska area kaha jata hai. Jis tarah humne hamari previous video mein four different shapes ka perimeter nikalna sikha, usi tarah is video mein bhi hum four different shapes ka area nikalna sikhenge. तो लेट्स बिगिन विद अ शेप रेक्टेंगल. जैसे हमारी पिछली वीडियो में हमने पेरीमीटर को पी लिया था, इस वीडियो में हम अपने एरिया को ए लेट करते हैं. सो लेट्स बिगिन ए. हमें पता है रेक्टेंगल की ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है. तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. फॉर एग्जाम्पल, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर अगेन. सो जब हम इन दोनों यूनिट्स को अपने फॉर्मूले में डालेंगे तो एरिया हमारा क्या निकलेगा? 2 मल्टीप्लाई 1. तो ये क्या निकलेगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ये बच्चों ध्यान रखने का कि जब भी आप एरिया निकालोगे तो आपका स्क्वेयर यूनिट्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप स्क्वेयर यूनिट्स नहीं लिखते हो तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है. नाउ सो ये हमारा रेक्टेंगल का तरीका है एरिया निकालने का. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ. नाउ स्क्वायर की बारी आई. स्क्वायर में हमें पता है हमारी चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. तो हमारा एरिया निकालने का यानी स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ए इंटू ए. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमारे पास है 4 सेंटीमीटर्स. सो जब हम अपनी साइड को इस फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारा एरिया क्या निकल के आएगा? 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर. दोबारा मैंने यहाँ स्क्वायर लगाया. क्यों? क्योंकि जब भी हम एरिया निकालते हैं हमारा स्क्वायर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप स्क्वायर नहीं लगाते हैं, मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ट्राइंगल. ट्राइंगल की भी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. इसको भी हम ए एंड ए लेट कर लेते हैं. पर ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस. ये आपका होता है बेस, इट्स बेस इंटू हाइट. और ये होती है आप, शुरू करते हैं ट्राइंगल. ये हमारा पूरा ट्राइंगल का क्या होता है? बेस होता है. हमारा ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ये आपका पूरा क्या होगा? बेस. और ये आपकी क्या होगी? ट्राइंगल की हाइट. ठीक है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका बेस हमारे पास है 4 सेंटीमीटर्स एंड हमारे पास हाइट उसकी दे रखी है 2 सेंटीमीटर्स लेके चलते हैं. सो जब हम अपने ये यूनिट्स को इस फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस हमारे पास क्या है? 4 सेंटीमीटर्स इंटू हाइट हमारे पास क्या है? 2 सेंटीमीटर्स. नाउ 4 × 2 = 8/2. अब नाउ 2 × 4 = 8. सो नाउ हमारा एरिया क्या निकला? हमारे ट्राइंगल का एरिया क्या निकला? 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ये हमारा क्या निकला? ट्राइंगल का एरिया. नाउ अब चलते हैं सर्कल के पास. सर्कल की साइड नहीं होती है, सर्कल का रेडियस होता है. तो अब सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इन आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पाई इंटू आर इंटू आर. यानी हम अपनी रेडियस को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7. इसमें भी एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं. एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमारे पास 2 सेंटीमीटर दे रखी है. तो जब हम अपनी रेडियस को इस फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारा एरिया क्या निकल के आएगा? पाई. पाई यानी 22/7 इंटू रेडियस इंटू रेडियस आर 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 का स्क्वायर. तो ए क्या निकलेगा? 22/7 मल्टीप्लाई 2×2 = 4. ए क्या निकला हमारे पास? 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर लगाया, यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर लगाया. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने एरिया निकालना सीखा.
सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने इस पार्ट में, इस वीडियो के पार्ट में एरिया निकालना सीखा. हमने फोर डिफरेंट शेप्स का एरिया निकालना सीखा. पहले हमने सीखा रेक्टेंगल का. रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. स्क्वायर का सीखा. स्क्वायर का क्या होता है? ए मल्टीप्लाई ए, यानी ए स्क्वायर. ट्राइंगल का हमने सीखा. ट्राइंगल का क्या होता है? वन बाय टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस हमारी क्या होती है? ये. एंड हाइट हमारा क्या होता है? ये. और सर्कल का एरिया हमने क्या सीखा? पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर का मतलब आर मल्टीप्लाई आर. सो होप आप एरिया की प्रैक्टिस करेंगे घर पे, एंड थैंक यू.